हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक सपोर्ट। आज मैं आपको जो है एक नई योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कांग्रेस सरकार द्वारा जारी हुई है और उसके आवेदन कब से होने वाले हैं, आवेदन शुरू हो गए हैं, क्या क्या दस्तावेज लगने वाला है, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वो योजना है कांग्रेस नारी सम्मान योजना जो कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उसके अंतर्गत आपको 2000 रुपये प्रतिमाह मिलने वाला है हर महिला को जो कि 18 से 60 साल के बीच में है। इसमें 23 साल से कोई वो नहीं है, कोई विवाहित का कोई नहीं है, जो 18 साल पार कर चुकी हैं उन महिलाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह मिलने वाला है। ना कोई KYC का झंझट है, ना कोई बैंक TPT का झंझट है, सीधे आपका कोई भी अकाउंट है उस सीधे अकाउंट में आपका जो है पैसा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसकी डिटेल में समझते हैं क्या कैसे क्या करना है, कब आवेदन होगा, कहाँ से आवेदन होगा, सारी डिटेल इसमें समझते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में आने वाली बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं, समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस मध्य प्रदेश में महिलाओं को ध्यान में रखकर एक बड़ी योजना लॉन्च करने जा रही है। इस योजना की शुरुआत 9 मई को होगी। नारी सम्मान योजना के नाम से इस योजना में घर घर जाकर फॉर्म भरे जाएंगे। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस किसी सूरत कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और उसी कड़ी में नई योजना लाई है। चुनाव का मौसम इसलिए मध्य प्रदेश की माता बहनें सबकी लाली हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जहाँ लाली बहन योजना लॉन्च की और 1000 रुपये प्रतिमाह हर महीने देने का वादा किया जो पात्रता श्रेणी में आती हैं, तो अब इसका पलटवार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करने जा रहे हैं। 9 मई से मध्य प्रदेश कांग्रेस घर घर जाकर एक फॉर्म भरवाएगी नारी सम्मान योजना नाम से। इसमें आपको 1500 रुपये देने हैं, इसमें कुछ जानकारी देनी होगी। दावा किया जाएगा कि कांग्रेस सरकार बनने पर 1500 रुपये प्रतिमाह साथ 500 रुपये गैस सब्सिडी भी दिया जाएगा। योजना का फॉर्म MPP देख सकते हैं यहाँ पर, साथ ही एक पावती रसीद भी संबंधित महिला को दी जाएगी। जहाँ जबरदस्त सरकार लाली बहन योजना पात्र महिलाओं की आयु सीमा 23 से 60 है, वहीं कांग्रेस सरकार 18 से 60 तक है। इसके बाद जबरदस्त चौहान लाली को अच्छा खासा प्रतिपेशी साथ मिला था। अब तक करीब 1.25 करोड़ महिलाएं इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। दावे आपत्ति की प्रक्रिया जारी है और जबरदस्त सरकार का दावा है कि 10 जून को पहली किस्त महिलाओं के खाते में पहुंचा जाएगी। ऐसे में कमलनाथ द्वारा शुरू की गई जा रही नारी सम्मान योजना कांग्रेस को कितना लाभ है तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन सबरा सरकार 1000 रुपये के बरअक्सर कमलनाथ का है 2000 रुपये प्रतिमाह का डबल डोज कांग्रेस के लिए एक उत्साह का वातावरण निर्मित करने में तो सफल रहेगा। तो इसका जो है इसमें दोस्तों इतना यह योजना है। इसमें जो है आपको कोई भी DBT की ज़रूरत नहीं है, कोई भी KYC की ज़रूरत नहीं है, ना बैंक में भीड़ लगाने की ज़रूरत है। 9 मई से इसके आवेदन शुरू होंगे तो आप इसे ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं और आपके घर घर ही ग्राम पंचायत सचिव आके आपके घर घर ही करेंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सब कुछ आपका घर बैठे ही होने वाला है, इसकी आपकी पावती भी मिल जाएगी। तो आपको जो है हर महीने 1500 रुपये वो है, 500 रुपये वो, तो आपको 2000 रुपये हो गए और 1000 रुपये सबराज्य सरकार के हो गए, तो अभी आपको 3000 रुपये जो है बिल्कुल मिलने वाले हैं हर पात्र महिला को। तो इस प्रकार आप दोनों सरकार का फ़ायदा उठाई और अपने 3000 रुपये पाइए। जो भी सरकार बनेगी फ़ायदा आपका ही है, चाहे शिवराज सरकार आए चाहे कमलनाथ सरकार, फायदा आपका है। कमलनाथ सरकार आएगी तो 2000 मिलने वाले, शिवराज सरकार आएगी तो 1000 मिलने वाले, तो आपका दोनों तरफ से ही बल्ले बल्ले है, आपको दोनों तरफ से ही पैसा मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना बोलना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।